नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है प्रीसी ट्रेनिंग क्या होता है। मर्चेंट नेवी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक ट्रेनिंग करना होता है, जिसे बोलते हैं प्री सी ट्रेनिंग, मतलब सी में जाने से पहले का ट्रेनिंग। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, तो आज का टॉपिक यही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रीसी ट्रेनिंग का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सी में जाने से पहले का ट्रेनिंग। सी से मतलब हमारा सिप पे है। सिप पे जाने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि सिप पे आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे। सर्वाइव से मेरा मतलब है कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो, पूरे सिप को बचा कैसे सकते हो, क्योंकि एक बंदे की गलती से पूरा सिप डूब सकता है। तो उसी बात को हमको कॉलेज में बताया जाता है, सिखाया जाता है, आपको आपके सर्वाइवल के लिए रेडी किया जाता है। इसी को प्रीसी ट्रेनिंग बोलते हैं। पीसी ट्रेनिंग करने के कई तरीके हैं, कई कोर्स आते हैं, सबका अलग अलग नाम है, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो सबसे मिनिमम बजट वाले पीसी ट्रेनिंग से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे हाईएस्ट बजट तक का हम आपको पीसी ट्रेनिंग का बताते हैं। तो सबसे मिनिमम आता है एसटीसीडब्ल्यू कोर्स में 5 कोर्स आता है। ये सबसे मिनिमम बजट का पीसी कोर्स है, आप इसे कर सकते हो। अब इसको करने के लिए आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। इसका फीस होता है मिनिमम 15,000 से लेके 25,000 तक, ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, जैसा कॉलेज वैसा फीस, लेकिन मिनिमम 15 से 25। और ये कोर्स आप किसी भी एजेंट वेजेंट के चक्कर में ना पड़े। आजकल बहुत ये झांसा चल रहा है कि साला एजेंट बोल रहा है आओ हम करा देते हैं, 35,000-40,000 लड़कों से ले रहा है और दे भी दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन क्यों करना उसके चक्कर में। आप कॉलेज भी नहीं जाओगे, आप कुछ सीखोगे भी नहीं, इससे अच्छा आप खुद डीजी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन लो, एडमिशन मिल जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। जाओ वहाँ सीखो, 15 दिन का कोर्स है, सीख के अपना CDC पासपोर्ट लो, सीख पे आप फिर जा सकते हो। दूसरा कोर्स आता है GP रेटिंग। जीपी रेटिंग 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ में आपको डेक का, इंजन का, सिप के ऊपर काम करना, सिप के इंजन साइड में काम करना, दोनों आपको सिखाया जाता है। ये कोर्स करने के बाद वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आप डेक साइड में जाना चाहते हो कि इंजन साइड में, आप दोनों चूज कर सकते हो। जीपी रेटिंग का फीस होता है 1,50,000 से लेकर 2,50,000 तक, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। उसके बाद आता है DNS। DNS 1 साल का कोर्स होता है, ये भी प्रीसी ट्रेनिंग के ही अंदर आता है, इसको भी आप कर सकते हो। इसका जो मिनिमम बजट है वो 3 लाख रुपए से लेके 4.5-5 लाख रुपए तक जाता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज और स्पॉन्सरशिप पे, लेकिन मिनिमम बजट आप 3 लाख पकड़ के चलो। तो ये 3 प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स आते हैं जो आप कर सकते हो सिप पे जाने से पहले। और 2-3 कोर्स आते हैं, वो बजट कोर्स हैं, जैसे उनका फीस 8 लाख-10 लाख है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यही था प्रीसी ट्रेनिंग के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है, जैसे कि आप कैसे एडमिशन लोगे, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, सबके लिए अलग अलग टाइप का कॉलेज बना है, आपके स्टेट के हिसाब से आपका कॉलेज सही है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। जो भी भाई ज्वाइनिंग के लिए परेशान है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं करा दूँगा, मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे इंस्टा पे DM करो। जिसके पास वॉच कीपिंग है यार, प्लीज़ वही लोग DM करो, क्योंकि विदाउट वॉच कीपिंग वाले भी DM कर रहे हैं, मुझे बताओ मैं कैसे उनका कराऊं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं हेल्प आपका कर सकता हूं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका पैसा भी नहीं लगेगा और आप एक सही जगह पहुंच जाओ, जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जो भी बंदा ज्वाइनिंग को लेकर परेशान है वो DM करे मुझे, मैं कोई पैसे वैसे की बात नहीं करता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि भाई आप यहां पे जाओ, हो सकता है। देखिए, मुझे हेल्प करने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत 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 टाइम बर्बाद किया है सिप ज्वाइनिंग करने में, मतलब आप समझ लो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मैं उससे फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे पता है तरीका, मैं आप लोग को बताऊँ। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करोगे, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मुझे मैसेज करो, जो भी आपको टॉपिक जानना है उसके लिए कमेंट करो। तब तक के लिए जय हिंद।